तुमसे बात किए हुए महीनों हो चुके थे, तुमसे बात किए हुए महीनों हो चुके थे, तुमसे मिले तो खैर अरसा बीता है। कई बार तुझसे बात करने की कोशिशें भी की मैंने, एक बार नहीं कई बार, कई बार तुझसे बात करने की कोशिशें भी की मैंने, कभी तेरा फोन बंद आया तो कभी संपर्क क्षेत्र से बाहर बताया। व्हाट्सएप पर मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दिया तूने, व्हाट्सएप पर मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दिया तूने, इंस्टाग्राम पर मेरे डीएम का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं। न जाने कितने बार तेरे घर के तेरे ऑफिस के चक्कर काटे मैंने, न जाने कितने बार तेरे घर के तेरे ऑफिस के चक्कर काटे मैंने, और फिल्मी स्टाइल में तुझे खत भी लिखा, और फिल्मी स्टाइल में तुझे खत भी लिखा, पर अफसोस ना तू मिलने आई ना तूने मेरे खत का जवाब लिखा। ए जाना ऐसी भी क्या मजबूरियां थी, ए जाना ऐसी भी क्या मजबूरियां थी, तुम्हारे पैरों में कौन सी बेड़ियां थी। रिश्ता तो तुमने खुद तोड़ा था ना, क्यों अब मुझसे रूठे हो। रिश्ता तो तुमने खुद तोड़ा था ना, क्यों अब मुझसे रूठे हो, क्यों नजरों को झुकाए हुए क्यों चुप्पी साधे बैठे हो। खैर अब मिलने आ ही गए हो, खैर अब मिलने आ ही गए हो, तो क्या ही शिकवा करना, जब हो नजरों के सामने तो ना मिलने का गिला क्या करना। यार भूल जाते हैं सब बेकार की बातों को, कुछ वक्त यूं ही साथ बिताते हैं। यार भूल जाते हैं सब बेकार की बातों को, कुछ वक्त यूं ही साथ बिताते हैं, बीते लम्हों को याद करते हैं, चलो ना एक नई शुरुआत करते हैं। वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया, लम्हे भी गुजरते रहे, वक्त बीतता गया, लम्हे भी गुजरते रहे, हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। थोड़ी नोकझोंक हुई, थोड़ा हंसी मजाक भी हुआ, और हम लड़ने भी लगे, पुराने दिन हमें फिर याद आने लगे। इस कहा सुनी में ना इतनी देर हो गई थी कि हमारी चाय भी ठंडी हो गई थी, इस कहा सुनी में इतनी देर हो गई थी ना कि हमारी अब चाय भी ठंडी हो गई थी। वो अपने सारे बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हुई, वो अपने सारे बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हुई, मैंने भी अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगी, लेकिन पछता के फ़ायदा क्या, अब तो बहुत देर हो गई। उसने अपने हैंडबैग से एक तोहफ़ा निकाला, उसने अपने हैंडबैग से एक तोहफ़ा निकाला, बड़े प्यार से गुलाब के फूल के साथ मेरे हाथों में माफ़ी मांगते हुए थमाया। उसकी इस अदा में इतनी सच्चाई थी ना दोस्त, मेरे बरसों के गिले शिकवे पल भर में दूर हो गए। मैंने तोहफा खोलना शुरू किया, उसने मुझे मना कर दिया, उसने मुझे मना कर दिया, उसने कहा कि इसे यहाँ न खोलना, घर जाकर खोलना। हर बार की तरीके इस बार भी मैंने उसकी बात बिना टाले मान ली। वक्त काफ़ी हो चुका था, वक्त काफ़ी हो चुका था, उसे जाना था। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने उसे उसके घर छोड़ा और अपने घर के लिए रवाना हुआ। मेरा घर उसके घर से महज 10 मिनट की दूरी पर है, महज 10 मिनट, लेकिन ये 10 मिनट की दूरी जो मैंने तय की है ना, 10 साल के फासले जैसे लग रहे थे। घर पहुंचते ही मैंने तोहफा खोलना शुरू किया, जैसे ही तोहफा मैंने खोला मेरे सर से आसमान हट गया, जमीन भी कांपने लगी, मेरे दिल में जागी हुई उम्मीद एक बार फिर से खामोश हो गई। मेरे सर से आसमान हट गया, जमीन भी कांपने लगी, मेरे दिल में जागी हुई उम्मीद एक बार फिर से खामोश हो गई। मेरे ख्वाबों के महल को हकीकत के बाड़ ने बहा डाला, जब तोहफे में मैंने उसके शादी का कार्ड देखा।